मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। जब तक है डोर हाथ में तब तक का खेल है, देखी तो होंगी तुमने पतंग कटी हुई। अपनी ही लिखी पंक्तियां हमें सुनाने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं है, वो अब हमारी यादों में है। रविवार रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इंतकाल हो गया। लंबे समय से बीमार थे। मुनव्वर राणा ने माँ और देश के बंटवारे पर जो मुजहरी नामा लिखा, वो आज भी लोगों की जुबान पर है। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा को साल 2014 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उन्हें कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी मिला था। साल 2012 में उन्हें उर्दू साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मुनव्वर राणा 71 साल के थे। मुनव्वर राणा क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित थे। लखनऊ के SGPDI में इलाज चल रहा था। मुनव्वर राणा काफी दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। अपने जीवन का बड़ा वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बिताने वाले राणा अपनी काव्यात्मक शैली में हिंदी और अवधी का प्रयोग ज्यादा करते थे। मुनव्वर राणा कई मौके पर चर्चा और सुर्खियों का हिस्सा बने रहे। साल 2015 में यूपी स्थित नोएडा के दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग में हत्या के बाद उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। वहीं साल 2014 मई में तत्कालीन सपा सरकार ने राणा को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि उन्होंने अकादमी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसी मौके पर कई तरह के ट्वीट्स लोग कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना हर कोई कर रहा है। मुनव्वर राणा की बेटी सौम्या राणा ने बताया कि उनके पिता का रविवार देर रात लखनऊ स्थित SGPDI में निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि राणा को सोमवार को उनकी वसीयत के मुताबिक लखनऊ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सौम्या ने बताया कि उनके परिवार में उनकी माँ, चार बहनें और एक भाई है। और हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायरों में शुमार किए जाने वाले मुनव्वर राणा की नज्म माँ का उर्दू साहित्य जगत में एक अलग स्थान रखता है। मुनव्वर राणा कई तरह से विवादों में भी रहे। मुनव्वर राणा की जो शायरी थी वो हर किसी को पसंद थी, लेकिन कई बार कुछ लोग इसका विरोध करते हुए भी नजर आए।